हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह वंदे भारत ट्रेन है और यह हाल ही में यानी सबसे नई ट्रेन है और इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर से, पर अभी ट्रेनों की जो पटरी हैं उसके हिसाब से यह 130 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलती है दोस्तों। और इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही लाजवाब है और वह 360 डिग्री मूवेबल है दोस्तों। इसमें खाना पीना सब फ्री है, वह टिकट में ही इंक्लूड रहता है। और यह वंदे भारत जो है वह अलग अलग रूट्स पर चलती है, जैसे कि नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी, गांधीनगर अहमदाबाद से मुंबई, और नई दिल्ली से अंदौरा हिमाचल प्रदेश, और चेन्नई से मैसूर। यह वंदे भारत का रूट है दोस्तों। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है राजधानी एक्सप्रेस। यह सबसे पुरानी ट्रेन है, जैसे वंदे भारत सबसे नई थी, यह सबसे पुरानी ट्रेन है। यह 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी दोस्तों, तभी यह ट्रेन दिल्ली से कलकत्ता के बीच में चलाई गई थी। और दोस्तों इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वह 130 से 140 किलोमीटर है और यह पूरी एयर कंडीशन ट्रेन है। इसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी है और इसमें खाने पीने की पूरी सुविधा प्राप्त होती है। और दोस्तों यह ट्रेन जो है वह हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली से भारत के सभी बड़े शहरों तक जाती है, यानी कि उपलब्ध है। जैसे कि दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से लखनऊ, इस तरह से सभी जगह पर उपलब्ध है। तो यह थी राजधानी की कहानी दोस्तों। ये जो ट्रेन देख रहे हैं यह शताब्दी एक्सप्रेस है। हाँ दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस जो है वह सिर्फ दिन में चलती है, यह ट्रेन रात को नहीं चलती है। क्योंकि इस ट्रेन का एक नियम है कि यह जिस सिटी से जाती है और जहाँ जाती है वहाँ से रिटर्न रात को उसी सिटी में वापिस आ जाती है। हाँ दोस्तों, और यह ट्रेन 10 जुलाई 1988 को शुरू की गई थी, जो कि पहली बार यानी कि दिल्ली से झांसी तक शुरू की गई थी। यह सुबह चलती है, दोपहर को पहुंचती है, फिर वहाँ पैसेंजर खाली करती है, वहाँ से पैसेंजर लेकर वापस चल आती है। दोस्तों यह पूरी एसी चेयर कार है और इसमें भी पूरी खाने पीने की सुविधा उपलब्ध रहती है। और यह सभी ऐसे मेन रूट्स पर चलती है, जैसे दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से लखनऊ, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अलग अलग यानी कि सिटीज़ पे जाती है। तो जो यानी कि डिस्टेंस है दिन में पूरा कर लिया जाए वहाँ तक ही शताब्दी चलती है दोस्तों। अब हम जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वह ट्रेन नॉन स्टॉप ट्रेन है, यानी कि वह जहाँ से चलती है और उसको उसका लास्ट स्टॉप जो होता है वहाँ पर ही जाकर रुकती है। और यह ट्रेन 2009 में शुरू की गई थी। वह पहला इसका जो रूट था वह दिल्ली से सालदा का था और दूसरा था वह दिल्ली से कलकत्ता, तीसरा रूट जो इसका था वह मुंबई से अहमदाबाद तक का था। हाँ दोस्तों, यह ट्रेन यानी कि नॉन स्टॉप है, कहीं नहीं रुकती। और दूसरी बात इसमें कि 3 टायर AC, फर्स्ट टायर AC और सेकंड टायर AC है। उसके अलावा अभी इसके अंदर जो है वह चेयर कार का भी यानी कि सुविधा दी गई है, और उसके अलावा अभी जनरल जो बुकिंग है उसके भी एक दो कोच लगाए जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से यह ट्रेन चलती है और इसकी भी स्पीड है जो है वह 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। यह जो देख रहे हैं यह तेजस एक्सप्रेस है। तेजस एक्सप्रेस जो है इसे हम शताब्दी एक्सप्रेस से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ दिन में चलती है और यह जो है 130 किलोमीटर पर आवर से चलती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें भी सभी वही फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं जो शताब्दी के अंदर हैं, पर यह थोड़ी उससे ज़्यादा मॉडर्न स्टाइल से बनाई गई है दोस्तों। हाँ, इसके अंदर
जो अटेंडेंट हैं वह लगभग लेडीज़ होती हैं। इसके अंदर जो वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, और यह टोटल एसी चेयर कार और इम्पोर्टेड एसी चेयर कार जिसको ईसी बोलते हैं वो है। सभी तरह की सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध होती हैं, और यह बहुत ही हाई स्पीड में चलती है। यह भी उसी तरह से चलती है कि सुबह चलती है, दोपहर को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, और शाम को वापस या अपने उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ पर सुबह चली थी। तो दोस्तों, इस तरह से थी इन पांचों ट्रेनों की जानकारी। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।